इधर दिल्ली में नीति आयोग की बैठक खत्म हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई और तकरीबन 6 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का संकल्प होना चाहिए। विकसित भारत में राज्यों का रोल बहुत अहम है। ये तमाम बातें नीति आयोग की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई और इस बैठक को लेकर कैसे सियासत हो रही है उसकी भी बात आपको बता देते हैं। क्योंकि जब बैठक चल रही थी तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को बीच में ही बैठक छोड़कर जाना पड़ा। वो बैठक से बाहर निकल आई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बैठक में बोलने का कम समय दिया गया और माइक को बीच बीच में बंद कर दिया गया। ये आरोप लगाया गया पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से। Why you discriminate? Why you stop me? I am only attending. What scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition. Only I am there, and you stop my mic. Apni aur mic bond kar diye. उधर ममता बनर्जी के आरोप पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। हर मुख्यमंत्री को बोलने का समय दिया गया। वित्त मंत्री ने माइक बंद करने की बात को झूठ बताया और कहा कि सीएम ममता को सच बोलना चाहिए। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर हमला बोला। उनका कहना है कि गठबंधन का रवैया नकारात्मक है। संविधान खतरे की झूठी अफवाह फैलाई गई। ममता बनर्जी पर उन्होंने बड़ा हमला बोला कि नीति आयोग की बैठक में बवाल उनकी तरफ से मचाया गया। ममता बनर्जी को नाटक करने के लिए विपक्ष ने भेजा था। यह भी कहा डॉक्टर दिनेश शर्मा ने। कांग्रेस शासित राज्य और ये ममता जी को तो बवाल मचाने के लिए भेजा था कि जाओ अंदर और प्रोपेगंडा करके है कि मीडिया ट्रायल दो कि वहां पे मेरी नहीं सुनी जा रही उसके पहले ही तुम बवाल मचाना शुरू कर दो। एक तरीका होता है, एक एक प्रदेश से नीति आयोग में पूछा जाता है और वो अपनी चीज का विषय का प्रस्तुतिकरण करते हैं। इन्होंने पहले से इनको क्या चाहिए था इसका प्रस्तुतिकरण इनके अधिकारियों ने किया ही नहीं है। वहां पे ये केवल खाली हाथ पहुंची है और खाली हाथ पहुंचते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। अंदर नहीं सुनी जा रही नहीं। अरे जब आपके प्रदेश का नंबर आएगा तब तो आप बोलोगे ना। आप दूसरे प्रदेश में खड़े होकर कहोगे कि मेरा नहीं सुना जा रहा और खड़े होकर शोर मचा के और बाहर आके मीडिया का ट्रायल देकर चले जाओगे। नाटक है, बेशर्मी है। और इस विपक्ष की जो बेशर्मी है मैं समझता हूं कि निश्चित रूप में ये अलोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करने वाले लोग हैं। वही विपक्ष बजट के बाद से ही केंद्र सरकार पर हमलावर है और आरोप लगाया कि नीति आयोग का देश के विकास में योगदान नहीं है, जिस पर बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया है। आयोग के आज के बैठक में इंडिया ग्रुप के मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे, ये लगभग तय हो गया है। क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब ने तो पहले कहा है कि हम नहीं जाएंगे। केजरीवाल साहब को जेल में डाला है, और भी मुख्यमंत्री है वो नहीं जाना चाहते। तेलंगाना के मुख्यमंत्री नहीं जाना चाहते, इसलिए कि नीति आयोग देश के विकास में समतोल नहीं रख रही है। आपने बजट में भी देखा है और नीति आयोग के कार्य में भी देखा है। इंडिया ब्लॉक को कांग्रेस पार्टी बहिष्कार बहादुरी का ब्रदरहुड बनाने में जुटी हुई है और अगर किसी ब्लॉक को कांग्रेस पार्टी बहिष्कार बहादुरी का ब्रदरहुड बनाने में जुटी हो तो उस ब्लॉक में शामिल लोगों को सोचना होगा। क्योंकि आप जो है वो आपके राज्य के विकास के बारे में, देश के विकास के बारे में जो भी डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, डिसीजन होगा, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे और उसके बाद जो है वो आप बहिष्कार बहादुरी के ब्रदरहुड के सरगना बनकर के घूमोगे। तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी बहुत अच्छे हित में वो काम कर रहे हैं।